नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। हमने आपको बताया कि मुलायम सिंह यादव आखिरकार किन किन बीमारियों से वो जूझ रहे थे। 2 अक्टूबर को उनको सांस लेने में दिक्कत आई, तब हेल्थ बुलेटिन भी जारी किए गए थे। उनमें भी पता लगा कि उन्हें किडनी में इन्फेक्शन था, यूरिन में भी इन्फेक्शन था। सबसे बड़ी दिक्कत जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद एक बड़ी जंग को मुलायम सिंह यादव हार गए और उनका निधन हो गया। इन सब के बाद सारे कार्यक्रम अभी सफाई में हो चुके हैं। अब जो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज चल रही है, वो सबसे पहली जो चर्चा है वो है मैनपुरी को लेकर, कि आखिरकार मैनपुरी का पर अब कब्जा किसका होगा। अगर समाजवादी पार्टी से भी किसी को उतारते हैं तो वो किसको अपने प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसे उतारेगी, क्या बसपा की तरफ से या फिर शिवपाल यादव भी उतरेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है मैनपुरी को लेकर। और अब देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर जारी है। लगातार अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं, प्रतीक यादव की तरफ से भी, और इन दोनों को अगर हम हटा दें तो शिवपाल यादव भी लगातार अपने बयानबाजियां दे रहे हैं। बीते 2 दिन पहले प्रतीक यादव ने मीडिया के सामने मुखातिब किया, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो हम सब ने सुना, और हमने भी अपने एक रिपोर्ट के जरिए आपको सुनवाया था कि आखिरकार प्रतीक यादव की तरफ से क्या बड़ा बयान दिया गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है जो इस रिपोर्ट में हम आपसे पूछने वाले हैं, कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के सर से एक पिता का साया हट गया है, तो अब आखिरकार उन दोनों का सपोर्ट सिस्टम कौन बनेगा। क्योंकि प्रतीक यादव जो कि सौतेले भाई है अखिलेश यादव के, वो राजनीति में उन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की है, वो खुद का बिजनेस चलाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सामने अभी तमाम चुनौतियाँ हैं, अभी फिलहाल वो केले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रतीक यादव की पत्नी जिनका नाम है अपर्णा यादव, वो है भारतीय जनता पार्टी में, और यहाँ पर अगर हम देखें सपा जो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और खुद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम ऐसे सवाल उठाते रहे हैं। अब ऐसे में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि प्रतीक यादव क्या अपने भाई का साथ देंगे या फिर अपनी पत्नी का साथ देंगे। क्योंकि एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी, एक तरफ है उनकी खुद की पत्नी और दूसरी तरफ है उनके खुद के भाई। अब देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रतीक यादव किस तरफ जाएंगे, क्या अपनी पत्नी की तरफ जाएंगे या फिर अपने भाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि भाई इस बीच बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।